गाइस, अब हम लोग अपने वंडरफुल वेकेशन से आ गए हैं इधर। नानी आज हम क्या बनाएंगे? आज मैं बनाऊंगी सबका मन पसंद राजमा। और चलिए अब सामान दिखाएं। ये है उबला हुआ राजमा, इसको रात भर भिगा के रखी थी मैं, उसके बाद 4-5 सीटी अच्छे से उबाली। और ये है कटा हुआ प्याज, ये लहसुन, ये गरम मसाला, ये है लाल मिर्च और टमाटर जिसको मैं उबाल के रखी हूँ। लाल मिर्च उबालने से इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। और ये है थोड़ा सा गरम मसाला, और ये है धनिया, जीरा, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च जिसको मैं भिगा के रखी हूँ। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। अब ये मैं इसमें सरसों तेल डाल रही हूँ, आप अपना जो भी तेल पसंद हो उसको डालिए। जब तक तेल गर्म होता है तब तक ये मसाले को मैं पीस लेती हूँ। ये प्याज है, ये लहसुन, ये गरम मसाला, इसमें दालचीनी है और छोटी इलायची है, और ये लाल मिर्च भी जो उबाल के रखी हूँ इसको मैं इसी के साथ पीस लूँगी। ये मसाला पीस करके तैयार है। अब मैं डालूँगी, तेल गरम हो चुका है, इसमें तेज पत्ता और ये बची हुई प्याज। तब तक मैं इस टमाटर का छिलका निकाल के रख लूंगी जो उबाल के मैं रखी थी। राजमा खरीदते समय आप ध्यान रखिए कि राजमा लंबे दाने का हो और रेड कलर का हो। अब प्याज लाल हो गई है, इसमें मैं डालूंगी पीसे हुए मसाले। और ये जो मैं मसाले भिगा के डाली थी, अब इसमें मैं एक गरम मसाला डाल दूंगी और स्वादानुसार नमक। टमाटर को छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अब इस टमाटर को डाल करके इसको ढक करके मैं धीमी आंच पर 5 मिनट तक पकने दूंगी। ये देखिए, ये 5 मिनट हो चुका है पकते हुए, और 5 मिनट अभी और पकेगा। 5 मिनट के बाद ये मसाला पूरा तैयार हो जाएगा। अब हम देखते हैं, मेरा मसाला बिल्कुल तैयार है। अब इसमें राजमा, और राजमे में मैं एक आलू भी डाल रही हूँ क्योंकि मुझे आलू बहुत पसंद है राजमे में। तेज करके इसको हम चलाएंगे, पूरा मसाला राजमा में मिला के उसके बाद पानी डालेंगे। इसके बाद इसको ढक करके हम फिर 10 मिनट तक धीमी आंच पर पकने देंगे, जिससे मसाला राजमा में अच्छी तरह से मिल जाए। अब राजमा को ढक करके मैं छोड़ दी हूँ, ये धीमी आंच पर 10 मिनट तक पकेगा, जिससे राजमा में भी मसाला अच्छी तरह से मिल जाएगा और वो टेस्टी होगा।
अब हमारा राजमा तैयार है। मसालेदार राजमा बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। आप भी इस इजी रेसिपी को फॉलो करिए और उस अपने और अपने परिवार के साथ बैठ करके खाइए। अब हमारा राजमा तैयार है, हमारा डिनर लग चुका है। आप भी आइए हमारे साथ खाइए और बनाइए और अपने परिवार को खिलाइए, खुद भी खाइए।